हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग टू नाइट तक का पूरा डेली रूटीन। और फ्रेंड्स, स्टार्ट कर रहे हैं हम मॉर्निंग से। देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है और देखिए सन कितना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह जब धूप आती है तो सूरज की रोशनी कितनी प्यारी लगती है। सबसे पहले तो हम नमस्कार करते हैं जय सूर्य देवता की। और देखिए फ्रेंड्स, जब ऐसा धुंध को हटाकर, फोग को हटाकर एकदम से धूप आती है तो एकदम से जैसे शरीर में नई जान आ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सूर्य देव हम अपनी रोशनी दे रहे हैं, हमको फ्री में देते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए फ्रेंड्स। और इसके साथ देखिए, अब मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। आलू गोभी की सब्जी है। इसकी रेसिपी तो फ्रेंड्स आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि नॉर्मल तरीके से बनाई है। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट व्लॉग में इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। ये मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि लोहे की कढ़ाई से सब्जी में आयरन आ जाता है और काफ़ी टेस्टी भी लगती है मुझे तो लोहे की कढ़ाई में बनी हुई सब्जी। और गोभी आजकल काफ़ी अच्छी आ रही है, सीजन वाली गोभी है तो। और मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, बच्चों को तो इतनी पसंद नहीं है बट मुझे भी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। उसके बाद थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह, क्लीनिंग तो खैर नहीं करूँगी आज बट डेली रूटीन जो होता ही है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ और अब मेनली मतलब समर वाली बेडशीट नहीं है, विंटर वाली मैंने मोटी वाली बेडशीट्स निकाल दी है। मतलब ये वुलन वाली बेडशीट तो नहीं है बट थोड़ी सी मोटी है, मतलब उससे थोड़ा सा थिकनेस इसकी ज़्यादा है। तो फिर फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। और ये पिंक कलर वाली बेडशीट है, ये इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पिंक कलर का। फोटो में तो शायद थोड़ा डल लग रहा है बट इतना डल नहीं है, थोड़ा सा खैर फेड भी हो गया बट ये बेडशीट काफ़ी अच्छी निकली है। वो जो शाइनिंग वाली बेडशीट होती है वो है, काफ़ी पुरानी है बट जैसे आजकल की बेडशीट होती है वो एकदम से फटने लगती है, पर टचवुड ये बेडशीट अभी तक अच्छी है और इसकी चमक भी बिल्कुल बरकरार है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरह से यहाँ पर बेडशीट बिछा रही हूँ। और फ्रेंड्स, बेडशीट तो मेरे घर में चेंज होती रहती है, अब खैर अब विंटर्स आ गए हैं तो इतनी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये मोटी वाली चादर जो है इसको धोने में और सुखाने में थोड़ी सी तो दिक्कत होती है। जैसे पतली वाली बेडशीट एकदम से बिछ जाती है पर मोटी को बिछाने में थोड़ा, मतलब मोटी को जो धोने में इसको, पतली तो एकदम से सूख जाती है पर मोटी को सुखाने में जो है थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसके सूखने में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बेडशीट बिछा दी और साथ में मैचिंग पिलो कवर भी लगा दी है। और देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर लग रही है बेडशीट। बेड खाली खाली साथ हो तो अच्छा लगता है बट आजकल तो बेड में कंबल वगैरह ब्लैंकेट रखे ही रहते हैं। और देखिए, मैं आपको इसका फ्रंट लुक दिखा रही हूँ कि कितनी सुंदर बेडशीट है, इसमें काफ़ी सुंदर वर्क हो रहा है रखा है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं नेक्स्ट रूम में आ गई, यहाँ पर मतलब हॉल में आ गई और यहाँ पर मैं दीवान बेड जो होता है उसकी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। दीवान बेड में तो मतलब मैंने पतली वाली बेडशीट ही बिछाई है, इसके लिए भी वैसे शाइनी वाली बेडशीट है जो शायद आपने मेरे वीडियो में देखी भी होगी बट आज मैं पतली वाली बेडशीट ही बिछा रही हूँ। ये बेडशीट भी मैंने काफ़ी दिन के बाद बिछाई है और इसमें जो ऊपर प्रिंट हो रखा है काफ़ी सुंदर है, ग्रे कलर की बेडशीट है और ये ऊपर ब्लू कलर के इसमें फ्लावर्स है, ब्लू और ऑरेंजिश कलर के, तो काफ़ी सुंदर लगती है फ्रेंड्स मुझे ये वाली बेडशीट भी। और इस तरह की बेडशीट का ये फ़ायदा होता है, इनको मतलब धोने के बाद एकदम से सूखने में टाइम नहीं लगता, सूख जाती है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कालीन बिछा रखा है। आजकल जैसे ठंड हो गई तो बच्चों के पाँव एकदम जमीन पर ना लगे तो मैंने इस तरह से एक रूम में कालीन बिछाया हुआ है नीचे और एक रूम में गद्दा, और बच्चों को अगर नीचे बैठना हो तो मैं इस कालीन के ऊपर कुछ ना कुछ बिछा देती हूँ, जैसे कि वो जो कंबल होता है उसको बिछा देती हूँ या कोई भी थोड़ा सा कोजी टाइप का कपड़ा जो हल्का गर्म हो उसको कर देती हूँ। और उसके बाद थोड़ी सी घर की सेटिंग कर रही हूँ हल्की फुल्की। डस्टिंग तो मैंने पूरे घर की कल ही की थी और डस्टिंग का वीडियो फ्रेंड्स मैं कई बार शेयर भी कर चुकी, तो आज मैं डस्टिंग का वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा सेटिंग का कर रही हूँ। और उसके बाद मैं अब दूसरे बेडरूम में आ गई हूँ अपने। यहाँ पर एक ही रैक रखा है, इसको मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ इसको सेटिंग करने का और इसमें से एक्स्ट्रा कपड़े निकालने का। इसमें मेनली मैं बेडशीट और चद्दर वगैरह यही सब चीज़ रखती हूँ क्योंकि कंबल वगैरह तो इसमें आती नहीं है, तो जो भी ओढ़ने वाली चद्दर होती है या बिछाने वाली बेडशीट होती है उस तरह का सामान रखती हूँ। और कुछ सामान एक्स्ट्रा भी इसमें हो गया है तो यही सब एक्स्ट्रा सामान निकाल के कुछ इसको मतलब जो फालतू के कपड़े होते हैं उसके वाले सामान में इसको रख दूँगी और इसको थोड़ा सा खाली करूँगी क्योंकि फिर इसको खाली करने के बाद थोड़ा सा इसको सेट करके रखूँगी क्योंकि सेट चीज़ें ही अच्छी लगती है। और अगर इस टाइप की चीज़ें घर में हो जिसको मतलब इस टाइम से हमने सेट ना कर रखा और उसको वीडियो में छुपाना पड़े, इससे क्या फ़ायदा है, इसलिए मैं इसको अच्छे सेट कर पाऊँगी ताकि, क्योंकि बार बार जब भी वीडियो बनता है ऐसा लगता है कि ये वीडियो में ना आए क्योंकि अच्छा सा नहीं लगता है, इसलिए इसको थोड़ा सा क्लीन करूँगी। ये तो मेनली वैसे मैं किचन में बॉक्सेस के लिए लाई थी, इस तरह का काफ़ी यूज़फुल होता है, जैसे अलमीरा वगैरह अगर आप नहीं ले सकते हैं तो फिर
मतलब किचन में जो वुडन वर्क वाला वो अलमीरा जो होती है वुडन वर्क वाली वो नहीं बनवा सकते, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। कुछ लोग उसे एज अ शूरैक भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसमें बुक्स भी रखते हैं, तो मल्टीपर्पज़ है। और कुछ लोग कपड़े भी रखते हैं। मैंने इसमें पहले किचन का सामान ही रखा था जब हम नोएडा में रहते थे, बट फिर उसके बाद मैंने इसको चेंज कर दिया। इसमें मैंने क्लोथ्स रख दिए हैं और मतलब इसी तरह से क्लोथ्स रखती हूँ मैं, जो भी बेडशीट वगैरह होती है, चद्दर होती है बिछाने की, वो इसमें रख देती हूँ। और फिर क्योंकि बेडशीट वगैरह रखने के लिए भी कोई जगह चाहिए, दीवान में रखेंगे तो फिर बार बार दीवान खोलना और फिर उसको निकालना फिर रखना है, थोड़ा सा टफ टास्क लगता है। और बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी थे, अब वो मैंने एक्स्ट्रा इसमें से निकाल दिया है सब कुछ, और देखूंगी इसके लिए कोई अरेंज और अरेंजमेंट करूंगी। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक सुंदर सा कपड़ा लगा दिया है, देखिए फ्रेंड्स, ताकि ये देखने में एकदम कोई एंटर करता है तो बुरा भी ना लगे, क्योंकि फ्लैट में जो है हमें पूरे घर को सेट करके रखना पड़ता है फ्लैट को, और पूरा मतलब हर चीज़ प्रेजेंटेबल होती है फ्लैट में, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो देखने में सुंदर ना लगे, क्योंकि फ्लैट लोग लेते ही इसलिए है ताकि हर चीज़ प्रेजेंटेबल हो। इसलिए हमको फ्लैट को फ्लैट के तरीके से ही रखना चाहिए, थोड़ा प्रेजेंटेबल करके रखना चाहिए। पहले मैं इसके ऊपर बॉल फुटबॉल रख रही थी, पर मैंने कहा नहीं फुटबॉल नहीं, वैसे आप इसके ऊपर कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी गुलदस्ता या कुछ भी, ताकि वो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। देखिए फुटबॉल ही मैंने फिर वापस रख दी है। और अब थोड़ा सा मैं क्लीनिंग कर रही हूँ घर की, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह, तो ये क्लीनिंग कर रही हूँ। जब घर की पूरी सेटिंग हो जाती है, देखिए बेड पे दोबारा से मैंने कंबल वगैरह रख दिए हैं, पर बिना कंबल के मुझे खाली खाली बेड ही अच्छा लगता है, बट आजकल की ये प्रॉब्लम है कि कहाँ पे रखे इतना सामान। और देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही अब मैं मतलब सफाई करनी स्टार्ट कर दी है मैंने घर की। ये तो मेरा डेली का ही काम है। कभी कभी हस्बैंड बोलते हैं कि पोछा कभी कभी लगाया करो, डेली मत लगाया करो, अब सीज़न चेंज हो गया है तो, बट नहीं, मेरा तो मन ही नहीं मानता जब तक पूरे घर की सफाई ना हो, झाड़ू पोछा जब तक पूरा ना हो, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि घर में गंदगी गंदगी सी है। बट चाहे कुछ हो ना, मतलब बिल्कुल साफ हो घर, मतलब झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने की जरूरत ना हो, बट फिर भी होती है ना एक हैबिट सी, वो आदत सी पड़ गई है मुझे, और पाँव में ऐसा लगता है मुझे कुछ किरकिरा सा लग रहा है, चाहे किरकिरा ना लगे फिर भी मुझे लगता है, बस यही है, आदत की बात है। और ये जो पायदान होते हैं उनको मैं डेली जो है इसको थोड़ा सा झाड़ देती हूँ, और डेली आपको झाड़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लग ही जाता है, मिट्टी या कुछ और। ये वही वाले पायदान है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे फ्रेंड्स, वो जो मैंने न्यू लिए थे। और इसी के साथ अब ये मेरा डेली रूटीन चल रहा है फ्रेंड्स क्लीनिंग का। और यहाँ पे मैं आपको अपने नेल्स दिखा रही हूँ, काफ़ी लंबे हो गए हैं मेरे नेल्स, और आज इनको काम तमाम करने का टाइम आ गया है, आज इनको मैं कट करूँगी। मेरा स्वीट स्वीट बेटा भी बैठा हुआ है सामने, उसके तो चेहरे के एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पे नेल्स कट कर रही हूँ और वह अपने फेस के एक्सप्रेशन बना रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से नेल्स हमें कट करते ही रहने चाहिए। पहले मुझे बड़ा शौक था लंबे नेल्स रखने का, बट अब मैंने मतलब बच्चों के साथ कहीं ना कहीं उनको लग ही जाते हैं, जितना भी बचा लो कहीं ना कहीं लग ही जाता है, और थोड़ा जर्म्स बैक्टीरिया भी हो ही जाते हैं, तो मैं अब नेल्स को टाइम टू टाइम कट करती रहती हूँ, इनको ज़्यादा बढ़ने नहीं देती हूँ फ्रेंड्स। और कट करते भी रहना चाहिए, अपनी मतलब शरीर को साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको कि नेल्स कट गए हैं मेरे बिल्कुल, और देखिए ये नेल्स हैं मेरे। आफ्टरनून के खाने की तैयारी में आ गई हूँ, मतलब दिन का खाना जो बनेगा, इसके लिए देखिए मैंने ये खड़ा मसाला लिया है। इसमें मैंने लिया है मेथी, जीरा और लौंग और काली मिर्च। यहाँ पे आप बड़ी वाली काली मिर्च भी ले सकते हैं, और साथ में हींग भी ले लीजिएगा, मेरी हींग एक्चुअली ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, सबका पेस्ट इकट्ठा ही बना लिया। कई बार तो मैं टमाटो प्यूरी का अलग बनाती हूँ, पर कई बार साथ भी बना लेती हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने नॉनस्टिक पैन में देखिए ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, और उसके बाद सरसों के तेल का लगाती हूँ मैं तड़का। और मतलब सरसों का तेल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, या देसी घी का भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें जो भी खड़े मसाले थे वो ऐड कर दिए हैं, और जो मैंने आपको बताए थे, आप इसमें अगर आपके पास हींग अवेलेबल है और जो बड़ी वाली इलायची होती है वो अवेलेबल है तो वो भी डाल दीजिएगा। उसके बाद लहसुन अदरक का जो पेस्ट था, प्याज लहसुन अदरक टमाटो, वो सब मैंने इकट्ठा ही किया था, उसको ऐड कर दिया। ये सूखे मसाले लिए हैं, इसमें यहाँ पे नमक, हल्दी, सब्जी मसाला और लाल मिर्च ली है, देगी मिर्च वाली, जो कि देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसको मैंने लिया है यहाँ पे। नॉर्मल वाली हरी मिर्च मैंने प्याज लहसुन के साथ ही उसको ग्राइंड कर दिया था। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ सफ़ेद छोले, और सफ़ेद छोले इस बार मैं थोड़े से अलग तरीके से बना रही हूँ। सफ़ेद छोले की रेसिपी तो वैसे मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, वो चाय पत्ती वाले ब्लैक वाले होते हैं, इस बार मैं येलो वाले छोले बना रही हूँ जिसमें चाय पत्ती का पानी ऐड नहीं करते हैं, विदाउट चाय पत्ती का पानी। और यहाँ पर मैंने सब्जी मसाला
यूज़ किया है, सिंपल छोले मसाला यूज़ नहीं किया है। और फ्रेंड्स आप इसमें देखिए यहाँ पे मसाला जो है इसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ पे आप अनारदाना का चूर्ण आता है उसको मिक्स कर सकते हैं, अनारदाने के चूर्ण से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। या फिर आप इस तरह का छोले मसाला ले सकते हैं जिसमें अनारदाना हो, पर छोले मसाले से मुझे लगता है कि उसे एकदम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिर्च ऐड हो जाती है और फिर बच्चों को दिक्कत होती है खाने में, इसलिए मैं वो नहीं यूज़ करती हूँ। उसके बाद देखिए मैंने जब अच्छे से प्याज लहसुन अदरक वगैरह का पेस्ट अच्छे से टमाटो का मतलब हो गया था, मतलब फ्राई हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें सूखे मसाले ऐड कर दिए थे। और उसको बाद इसके बाद इसको अच्छे से पकाने के बाद सूखे मसालों को भी अच्छे से मिक्स करना है आपको, और इनको इसी स्टेज पे आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं, और वो अनारदाना का जो चूर्ण होता है उसको भी इसी स्टेज पर आप ऐड कर सकते हैं इसी टाइम पर। उसके बाद आप इसमें छोले ऐड कर दीजिएगा। ये छोले मैंने रात भर भिगा कर रखे थे और फिर मैंने इसको प्रेशर कुकर में सीटी दी थी। कम से कम छोले उसमें टाइम लगता है छोलों को उबलने में, इसमें मैंने मीठा सोडा कुछ यूज़ नहीं किया था, और इसको मैंने कम से कम 7 to 8 इसमें विसल लगाई थी फर्स्ट में, मतलब मैं दो बार विसल लगाती हूँ, एक बार तड़का लगाने से पहले और एक बार तड़के के बाद। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था मिक्सर में डालकर, और उसको इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैं दो बार विसल देती हूँ, एक बार तो शुरू में उबालने के लिए और एक बार मैं इसको फ्राई करने के बाद, मतलब प्याज लहसुन का तड़का, प्याज लहसुन अदरक टमाटो का तड़का लगाने के बाद मैं इसको दोबारा से इसको फ्राई करती हूँ, इसको उबालती हूँ सॉरी। तो देखिए अभी अच्छे से जब मिक्स हो जाए, पानी थोड़ा सा पक जाए, तो फिर आप इसको उसी प्रेशर कुकर में ऐड कर दीजिएगा, और उसके बाद उसमें दोबारा से 5 to 6 विसल दीजिएगा, मतलब जितना भी छोले के अकॉर्डिंग। कई बार छोले जल्दी गल जाते हैं, कई बार लेट गल जाते हैं, गलती हैं। और उसके बाद जब अच्छे से पक गया था, थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया, मतलब मैंने प्रेशर कुकर से वापस इसको नॉनस्टिक पैन में ऐड कर दिया था, और उसके बाद फिर इसको मैंने धनिए से गार्निश कर दिया था। और ये देखिए फ्रेंड्स रेडी है सब्जी, आ जाइए आप भी खा लीजिए। उसके बाद ये हो गया था इवनिंग, आफ्टरनून का सब काम होने के बाद इवनिंग में आ गए हैं हम, और मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और चाय की तैयारी हो रही है। देखिए कुंडी मैंने रखी है, इसमें मैं काली मिर्च और अदरक और जो छोटी इलायची होती है ग्रीन वाली उसको पीस कर फिर उसमें डालती हूँ, और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उससे। और आजकल के लिए सर्दियों के लिए इसी तरह की चाय पीनी चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी टेस्ट भी आता है चाय में और हेल्थ वाइज भी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने कप जो है रख दिए हैं, और यहाँ पर साथ में नमकीन रखी है, बिना कुछ मतलब बिना कुछ चीज़ के चाय मुझे फीकी फीकी सी लगती है, कुछ तो साथ में होना ही चाहिए। और चाय रेडी हो गई है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आ गई है नाइट के डिनर की तैयारी करने के लिए। ब्रेकफास्ट हो गया था, लंच हो गया था, अब डिनर की तैयारी करने के लिए। इस ब्लॉग में मेरे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों आ गए हैं, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूली के पत्तों की भुज्जी। मूली के पत्तों की भुज्जी की मैंने नॉर्मल तरीके से ही बनाई है, तेल ऐड किया था उसमें, थोड़ा सा सरसों या राई या जीरा कुछ भी आप ऐड कर सकते हो उसको ऐड किया। उसके बाद मैंने मूली के पत्ते ऐड कर दिए थे, और उसके बाद टोमेटो ऐड किया था, काफ़ी टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। और अब मैं आपको नाइट का व्यू दिखा रही हूँ, डिनर हो गया था उसके बाद नाइट का व्यू दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरी सोसाइटी का नाइट का व्यू, नाइट में किस तरह से लगती है सोसाइटी, और काफ़ी सुंदर लगता है व्यू बाहर का एकदम से, मतलब हमारे फ्लैट के सामने कोई फ्लैट नहीं है कि एकदम से नजर जाए, थोड़ी सी अच्छी डायरेक्शन में है फ्लैट तक। मॉर्निंग में सन और नाइट में मून दोनों का नज़ारा ही बहुत सुंदर लगता है हमारी बालकनी से, और आंखों को बहुत ही लुभाने वाला होता है फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, और मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। और फ्रेंड्स आज का आशा है आपको मेरा आज का डेली रूटीन का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वैसे तो डेली रूटीन में फ्रेंड्स काफ़ी कुछ आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है, इतना कुछ कि शायद वो उसमें कई सारे ब्लॉग भी छोटे पड़ जाएं, क्योंकि जो है हाउसवाइफ का या जो भी वर्किंग लेडी होती है उनका जो डेली रूटीन होता है हम सबका, वो होता ही इतना बिजी है कि वो मतलब एक ब्लॉग में उसको समा पाना काफ़ी टफ हो जाता है। तो मैंने ये कोशिश की है कि इन शॉर्ट में उसको एक ही ब्लॉग में उसको ऐड कर पाऊँ। सब कुछ तो देखिए नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, बट यही है कि थोड़ी थोड़ी सी झलकी आपने मॉर्निंग में से लेकर, थोड़ा सा आफ्टरनून में से लेकर, थोड़ा सा इवनिंग, थोड़ा सा नाइट में से लेकर, थोड़ी थोड़ी जो झलकियाँ होती हैं उनको ऐड करके एक मैंने कोशिश की है कि एक डेली रूटीन का फुल ब्लॉग मॉर्निंग टू नाइट रूटीन का बना पाऊँ। तो आशा है फ्रेंड्स आपको मेरा ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स जैसे कि अब सर्दियाँ आ गई हैं, मौसम चेंज हो गया है, और आप इसको सर्दियों की शुरुआत बोल सकते हैं, और मतलब काफ़ी ठंडा ठंडा सा महसूस होने लगा है। और फ्रेंड्स इस मौसम में जो है सबसे ज़्यादा आपको अपना, अपने बच्चों का और अपने घर में बड़े बुजुर्गों का, सबका ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यही मौसम है जिसमें ये सबसे ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। और फिर वो मतलब अगर अभी से खांसी जुकाम कुछ भी हो गया, बीमार हो गए, तो फिर आगे ऐसे लगता है कि पूरी सर्दी में वो चलता ही रहता है, फिर कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इसलिए आप शुरुआत से ही अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स, गरम गरम लीजिए खाने में, जैसे कि
ड्राई फ्रूट्स लीजिए और बाकी गरम गरम चीज़ें लीजिए, खाने को ठंडा करके मत खाइए, गरम खाइए। और बच्चों का खास ध्यान रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत होती है, एक बार बच्चे बीमार पड़ जाए तो फिर तो हमारा पूरा डेली रूटीन मतलब जो भी है पूरा मतलब कुछ मन ही नहीं करता है करने का, और पूरा ध्यान फिर बच्चों पर ही रहता है, क्योंकि बच्चे कुछ नहीं खाते जब तक मम्मी का भी माँ का भी कुछ खाने का मन नहीं करता है, फिर बुरा लगता है जब तक बच्चे मतलब ऐसे बीमार से रहें। तो फ्रेंड्स अपने बच्चों का खास ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स रात को आप ड्राई फ्रूट्स भिगा दीजिए, जैसे आप बादाम भिगा दीजिए, अंजीर भिगा दीजिए, और काजू और पिस्ता तो खैर आप डायरेक्टली भी खा सकते हैं, बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि बादाम को आप रात को भिगा कर रख दीजिए और सुबह उसको खाइए, और साथ में आप वॉलनट भी लीजिए मतलब अखरोट भी लीजिए, और उसको खुद भी खाइए, बच्चों को भी दीजिए, हस्बैंड को भी दीजिए, बड़े बुजुर्गों को भी दीजिए, क्योंकि जो बादाम होते हैं उनको अगर आप रात भर भिगा के रखेंगे तो उसका असर जो है वो काफ़ी गुना बढ़ जाता है, बादाम का मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, उसके पोषक तत्व काफी बढ़ जाते हैं। तो आप इसको जो है बादाम को भिगा कर ही खाइएगा और इसको मतलब इसी तरह से यूज कीजिएगा। और फ्रेंड्स दूध में हल्दी मिलाकर पीजिए, जैसे कि आयुष मंत्रालय की मतलब गाइडलाइंस में भी है कि दूध में हल्दी मिलाकर हमें पीना चाहिए, और टाइम टाइम पर काढ़ा बनाकर पीते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है फिर भी आप काढ़ा बनाकर पीते जाइए, क्योंकि इंडिया जो है ये औषधि का देश है और इसमें इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ हैं कि यहाँ के लोग तो उनको कुछ भी होता है वो डॉक्टर पर जाने से पहले खुद ही अपना जो है ट्रीटमेंट घर पर ही कर लेते हैं, और वो काफ़ी असरदार भी होता है और वो मतलब आपके शरीर को भी किसी तरह कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, तो ये भी सबके लिए सही रहता है। तो और फ्रेंड्स बच्चों को अच्छे से कवर करके रखिए, उनको पूरे कपड़े पहना कर रखिए। देखिए फ्रेंड्स ना तो बच्चे सर पर कैप रखते हैं, टोपी पहनते हैं, और ना ही वो पाँव में सॉक्स पहनते हैं, ये तो सभी के साथ प्रॉब्लम है। तो आपने अपने घर में जैसे बच्चे बेड से उतरते हैं तो नीचे चटाई गद्दा इस टाइप की चीज़ें बिछा कर रखिए, ताकि बच्चों के जो पाँव में ठंडे ठंडे फर्श पर ना पड़े, क्योंकि जो है ठंड मैंने सुना है कि पाँव से ही घुसती है, इसलिए इस ठंड को आप पाँव से मत घुसने दीजिए, फर्श पर जो है वो आप प्रॉपर कुछ ना कुछ बिछा कर रखिए, जैसे कि कालीन आते हैं, मैट्स आते हैं, कई चीज़ें आते हैं, ताकि बच्चों को ठंड ना लग पाए। और बच्चों को धूप जो है, धूप बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, धूप एक मतलब प्री की आप कह सकते हैं एक औषधि ही है, इसे विटामिन डी मिलता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप भी फ्रेंड्स टाइम निकाल के थोड़ा सा धूप लीजिए और अपने बच्चों को भी धूप में ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि जो है धूप जो है बच्चों के लिए और हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो हड्डियाँ हैं, जो हड्डियाँ बोन्स होती है, बोन्स देखिए कितना बोन्स की काफ़ी लेडीज़ में और सब में प्रॉब्लम रहती है, तो अपनी बोन्स को अगर आप मतलब स्ट्रेंथ बना देना चाहते हैं, इसको मजबूत करना चाहते हैं, तो धूप में रहिए। और मतलब अगर आपको स्किन की लगता है कि स्किन पे कुछ ना इफेक्ट पड़े तो धूप से सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हैं, आजकल तो मास्क या मास्क पहनकर बैठ जाइए, उतना एरिया जो है चेहरे का कवर रहेगा, तो फिर मतलब आपको धूप भी इतना नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और सनस्क्रीन तो वैसे लगानी ही चाहिए धूप में, जब भी जाते हैं आप सनस्क्रीन लोशन लगाइए और फिर धूप में बैठिए, और जो है बच्चों को धूप जरूर लगाइए। और फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है मेरा, तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ फ्रेंड्स और नई नई बातों के साथ। आप घर पर ही रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और अच्छा अच्छा खाना खाइए, गर्म खाइए, और आप सबका ध्यान रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप हैं तभी आप खुश रहेंगे, तभी आपका परिवार खुश रहेगा, और आप सुरक्षित रहेंगे तभी अपने पूरे परिवार का भी ध्यान रख पाएंगे फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स, आशा है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और अगर आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय बाय।